ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरुआ कंडे में बर्फानी तूफान की चपेट में आने से बेहोश हुए बंगाली ट्रैकर की हालत में सुधार आ गया है। ट्रैकर रामपुर के खनेरी चिकित्सालय में भर्ती है। ट्रैकर रूपम घोष ने आप बीती सुनाते हुए किन्नौर प्रशासन का आभार व्यक्त किया और बताया कि समय पर चौपर से रेस्क्यू नहीं किया जाता तो वे जीवित नहीं बचते। हालांकि उनके साथ गए एक और साथी की मौत हो गई है, लेकिन उसकी जानकारी अभी तक उन्हें नहीं दी गई है। बरुआ कंडे में बर्फानी तूफान की चपेट में आने से बेहोश हुए बंगाली ट्रैकर की हालत में अब सुधार हो गया है। ट्रैकर का रामपुर के खनेरी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। ट्रैकर रूपम घोष ने आप बीती सुनाते हुए किन्नौर प्रशासन का आभार व्यक्त किया और बताया कि समय पर चौपर से रेस्क्यू नहीं किया जाता तो वे जीवित नहीं बचते। हालांकि उसे दूसरे साथी की मौत की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के रोड़ू के जंगलीक होते हुए बरुआ जोत पैदल ट्रैकिंग पर निकले दल के 7 सदस्य बर्फानी तूफान में बरुआ जोत पर फंस गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है और एक बेहोशी की हालत में रेस्क्यू कर वायुसेना के चौपर से सांगला पहुंचाया गया। घायल ट्रैकर रूपम घोष ने बताया कि रोड़ू के जांगलीक से पैदल ट्रैक पर निकलने के बाद बरुआ पास भी आसानी से पार कर लिया था। इस दौरान मौसम भी अनुकूल था, लेकिन जोत से रात्रि कैंप की ओर उतरते हुए बर्फानी तूफान की चपेट में वे आ गए। घोष ने बताया कि वो और उसका साथी तूफान से संघर्ष कर नीचे उतरने का प्रयास तेजी से करने लगे, लेकिन बर्फ तेजी से गिर रही थी। बर्फ अधिक गिरने से पैदल चलने में भी दिक्कत पेश आ रही थी। ऊपर से अंधेरा छाने लगा था। घोष ने बताया कि वो और उनका साथी जीवाशीष महंतू काफी देर तक तूफान से जूझते रहे। इस बीच वे बेहोश हो गया और दूसरे दिन चिकित्सालय में जाकर उसे होश आया। सरकार की ओर से उसे सूचना मिलते ही उसने बेहोशी की हालत में कैंप से सुबह वायुसेना के चौपर थे सांगला पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि ट्रैकर दल में कुल 7 सदस्य शामिल थे। होने वाला आगे आप कब चले थे, कहां से चले थे आप? हम लोग स्टार्ट किए थे 19 को स्टार्ट किए थे कालका से, जो गाड़ी सीधा लेके गया जांगलीक, जो रोरू होके जाता है जांगलीक, वहां से मेरा हम लोग का पैदल चलना शुरू हुआ था। वेदर काफी ठीक था और परसों सुबह हम लोग निकले थे लगभग 5:30-5 बजे, तब वेदर क्लियर था। पास क्रॉस हम लोगों ने नॉर्मली कर लिए थे, मगर अचानक से एक बहुत बड़ा तूफान आया। वो कंटिन्यूएशन था उसका, तूफान का वो रुकने वाला था नहीं। तो आंखों आगवाए सभी जगह में हम लोगों का वो आइज रुकने लगा। एंड सिंस वी आर इन 7, तो हम लोग एक साथ चलने का कोशिश कर रहे थे कि जितना जल्दी हो सके नीचे जाऊं, मगर वहाँ पे बर्फ भी काफ़ी गिर चुके थे, तब नी लेवल हाइट का बर्फ हो चुका था, तो चलने में भी दिक्कत हो रहा था, टाइम लग रहा था। तो ऑलमोस्ट पंच पहुँच ही गए थे, अगर और थोड़ा देर जाके पहुँच जाते तो कैंप साइट चल ही आते। कैंप साइट था रिवर कैंप साइट, और उसके बाद हम लोगों को बोरू आना था नेक्स्ट डे, और बोरुआ से हम लोग सांगला ही आएंगे, आने का प्लान था उसी दिन। तो आप लोग कितने लोग थे? 7।